मैं अब मनोज्ञा का रुख करती हूं और भोपाल, क्योंकि मनोज्ञा सबसे बड़ी जीत वहां से दर्ज की गई लेकिन चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है। सवाल यही कि आखिर इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। देखिए स्वागत है सभी का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए यहां पर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक ही नारा रहा है कि एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी। एमपी ने दिखा भी दिया कि किसकी जीत है। ये अप्रत्याशित जीत में सबसे बड़ा चेहरा और सहरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही जाएगा। लेकिन क्या आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा जिस राज्य में हो उसी राज्य को इस बार क्या प्रधानमंत्री इस बार मुख्यमंत्री देंगे, ऐसा जो सबसे बड़ी आबादी वाली आदिवासी आबादी वाली राज्य में इस बार क्या पहली बार मिलेगा एक आदिवासी मुख्यमंत्री। हमारे साथ पूरा पैनल है जो आपको बताएगा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वराज शर्मा जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश बादल जी, सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजेश राजपूत जिन्हें आप एबीपी न्यूज पे सबसे आगे रखने के लिए हर बार देखते रहते हैं, और संजीव मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी ये बताइए, सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल, पंकज जी जीत तो हो गई, मुख्यमंत्री का नाम कब मिलेगा? कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। भाजपा के सारे विधायक कल भोपाल पहुंच जाएंगे। हमारे तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय खट्टर जी, के लक्ष्मण जी और आशा लकड़ा जी, जो तीनों पर्यवेक्षक वो पहुंचेंगे। विधायकों से बातचीत होगी और कल संभवतः शाम को जब लगता है इतनी बात कर रहे हैं, विधायकों के पास कोई है भी मतलब कि नाम ऊपर से आएगा चिट्ठी पढ़ दीजिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती है। कल मध्यप्रदेश के विधायक निर्वाचित भाजपा पक्ष के बैठेंगे और वो मिलकर तय करेंगे कौन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करे। दे रहे हैं आदिवासी, दे रहे हैं इस बार की नहीं? आप भी तो इतने साल रहे सत्ता में, कहे नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर जनता की सेवा करेगा और भारतीय जनता पार्टी बात करती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। चेहरा बदल रहा है? देखिए चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह चेहरा है। आप मानते हैं इस बात को कि चेहरा कमल है, चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो नहीं रहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये मोदी मोदी कहते रहे एमपी के मन में मोदी, मैं समझता हूँ क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनेगा तो यहीं से। और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी मतलब एक अनार सौ बीमार, छह छह लोगों ने शेरवानी से ला के रखी है मुख्यमंत्री बनने के लिए और एक मुख्यमंत्री ढोक लगाने नहीं गए शिवराज सिंह जी, वो यहाँ मध्य प्रदेश में घूम घूम के अपना दबाव बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? तंज करने का मौका मिल रहा है क्योंकि जितना समय लगेगा उतना ही सवाल भी उठेंगे। मनोज्ञा आपके पास मैं आऊंगी, आपके पास आती हूं, लेकिन देखिए एबीपी न्यूज की खबर पर फिर से मुहर लगी है और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्यों कहा जाता है चुनाव मतलब एबीपी न्यूज? देखिए अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही 9 नवंबर को ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि आखिर कौन चेहरा होगा। कुनकुरी में ही थे और वहीं से इस बात का ऐलान कर दिया था कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। एक बार जरा आप सुन लीजिए। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। तो गृह मंत्री का ये बयान और आज सुबह से एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि आखिर कौन वो चेहरा हो सकता है। और देखिए शाम से पहले ये तय भी कर दिया गया, सर्वसम्मति से विष्णु साय को चुन भी लिया गया। स्नेहलता का एक बार फिर से रुख करते हैं, रायपुर से हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं। अच्छा स्नेहलता के पास मैं आती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।